जनपद रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कार्यों एवं राहत एवं बचाव के संबंध में समीक्षा की। जनपद आगमन पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें कि जनपद में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विनय रुहेला ने कहा कि मानसून के दृष्टिगत जनपद रुद्रप्रयाग एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं घटित होती रहती है। इसके लिए सभी अधिकारियों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ साथ मनोभाव के से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि कम से कम समय में राहत एवं बचाव कार्य करते हुए होने वाली क्षति को कम किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मानसून सत्र प्रारंभ होते ही पूरी शासन और प्रशासन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि आम जनता के अंतर्गत आपदा के दृष्टिकोण को लेकर सभी अधिकारी त्वरित रूप से जनता के समर्थन में जनता के साथ मिलकर कार्य योजनाओं को बनाएं और आपदा से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनको त्वरित रिलीफ देने के लिए काम करें। जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक आज यहां पर रुद्रप्रयाग जिले की हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि रुद्रप्रयाग जिले का जिला प्रशासन बहुत ही त्वरित गति से बहुत ही अच्छे प्रकार से नियोजन और संयोजन करते हुए कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। जैसे मानसून सत्र के बाद अनेकों चुनौतियां आई, पुल टूट गए हैं और सड़कें टूट रही हैं, मलवा सड़क पे गिर रहा है, उनको सबको त्वरित गति से रिलीफ दिया जा रहा है। जो रिलीफ कैंप है वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से वहां पे कार्य आगे बढ़ रहा है।